जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसी युवक को तमंचे से गोली मार दी है। गोली युवक के सीने में लगी है। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। सीने में गोली लगने के कारण युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से युवक को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष सहित भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई है। रीठी गांव के निवासी जितेंद्र यादव खेत की सिंचाई के लिए घर के सामने पाइप बिछाए हुए थे। आरोप है कि उसी रास्ते से जाते हुए गांव के निवासी अभिषेक यादव ने रास्ते के विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगा। बात आगे बढ़ने पर घर पर चढ़कर पहले लाठी डंडों से वार किया, इसके बाद तमंचे से फायर कर दिया। सीने पर गोली लगते ही जितेंद्र छटपटाने लगा। इस दौरान उसके सिर में भी गहरी चोट लग गई। किसी तरह आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया। झड़प में जितेंद्र यादव की भाभी रेखा यादव को भी चोट लगी है। उधर आरोपी अभिषेक यादव फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर थानाध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होकर मामले की छानबीन कर रही है। उधर घटना की जानकारी होते ही सीओ सदर भी जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायल से घटना के बारे में जानकारी ली। फिलहाल बेहतर उपचार के लिए घायल को वाराणसी रेफर कर दिया गया है।